गरीब सवर्णों को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी मोदी सरकार इस मुद्दे पर आज संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश करेगी। उसके बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए राज्यसभा का शीत सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा में बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले दिन राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इस अहम मौके पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को लोकसभा में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट ने गरीबों के आरक्षण को मंजूरी देकर सवर्णों को लुभाने की कोशिश की, जिसे लागू करने के लिए सरकार मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल लाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए आरक्षण से आर्थिक रूप से कमजोर तबके की बेहतरी का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, सामान्य वर्ग को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण देने का जो फैसला किया है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। जिसके बाद बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा मांग की थी कि इनको 15% का आरक्षण मिलना चाहिए, पर मुझे खुशी है कि कम से कम शुरुआत हुई। अब मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई राजनीति होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनावी रणनीति का हिस्सा करार दिया। 2019 के चुनाव में 100 दिन से कम बचे हैं, तभी मोदी सरकार को आर्थिक तौर पर देश के गरीबों की याद आई। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार की नियत पर प्रश्न खड़ा करता है। वहीं पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस की हां में हां मिलाई। नरेंद्र मोदी के पास जो आखिरी तीर था वो भी कमान से निकल गया है, क्योंकि किसानों के लिए, यूथ के लिए उन्होंने जो भी वादे 2014 में किए थे उस पर एक भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। 10% आरक्षण की बात है तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसका, इस पर बड़ी सोचने की बात है। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया, जिसके बाद तहत उन लोगों को आरक्षण मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन होगी उन्हें भी आरक्षण का फायदा होगा। साथ ही वो लोग जिनका घर 1,000 स्क्वायर फीट के दायरे में होगा या फिर शहर में 100 गज से कम रिहायशी जमीन होगी वो भी आरक्षण के दायरे में आएंगे, जबकि गांव में 200 गज से कम रिहायशी जमीन वाले लोगों को भी इस फैसले का फायदा होगा। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने इस फैसले पर एतराज जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी साफ किया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पूर्व बनाने की बात जानते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण होने से संवैधानिक में संशोधन करेंगे। संविधान में संशोधन करेंगे, कैसे हो जाएगा संविधान में संशोधन? आ जा रहा है, कल ही आएगा राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आने दो यार, कुछ अभी है उसे तो कर नहीं पा रहे। यूपी के शाहजहांपुर में श्री राम लिखी ईंटों का नाली बनाने में इस्तेमाल करने पर विवाद खड़ा हो गया। वहां नाली बनाने का काम नगर निगम की तरफ से करवाया जा रहा है और अब तक श्री राम लिखी कई ईंटें तो नाली में लग भी चुकी है और आधा काम पूरा भी हो चुका है। नाली का जितना हिस्सा तैयार है उसमें श्री राम लिखी ईंटें लगी नजर आई। करीब 1,000 से ज्यादा ईंटें अलग से पड़ी हैं, जिनका नाली बनाने में इस्तेमाल होना बाकी है। हालांकि नगर निगम की दलील है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मामला संवेदनशील है इसलिए पुलिस ने भी जांच का भरोसा दिया है। उसने शाहजहांपुर के उस मोहल्ले का दौरा किया जहां ये नाली बन रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। नाली में जो ईंट राम भगवान श्री राम के नाम की लगाई जा रही है अत्यंत ही निंदनीय है और इसके लिए शासन और प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूँ विश्व हिंदू परिषद भजनगुल की तरफ से, तत्काल उसको रोका जाए अन्यथा फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस घटना से इलाके में माहौल बिगड़ने का डर बना हुआ है, जिसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। राम मंदिर बनाने पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर एक विवादित बयान देकर राजनीति गरमा दी। उन्होंने हिंदूवादी संगठनों के भगवान राम के जन्म लेने की जगह किताबों पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे, कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे,
कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था। प्रयागराज में शुरू होने वाले अर्ध कुंभ में हिस्सा लेने पहुंचे वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों की पेशवाई यानी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल महंत धर्मदास ने राम मंदिर को लेकर आवाज बुलंद की। क्योंकि महंत धर्मदास निर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए हैं और वो राम मंदिर मामले में पक्षकार भी हैं। महंत धर्मदास ने कुंभ के दौरान राम मंदिर के लिए अनुष्ठान करने का ऐलान किया। राम जन्मभूमि के लिए अनुष्ठान सब साधु करेंगे कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर बन जाए। पेशवाई यानी शोभा यात्रा के दौरान वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी के साधु संत राम मंदिर को लेकर उत्साहित दिखे। इतना ही नहीं, कुंभ मेला क्षेत्र में साधु संतों की तरफ से राम मंदिर की मांग करते हुए लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर भी नजर आए। मेघालय में कुछ लोगों ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला कर दिया। मेघालय के शिलांग में कुछ लोगों ने बीजेपी के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। यूपी के आगरा में एक दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के संभल में आवारा आदमखोर कुत्तों ने 4 साल के एक बच्चे की नोच कर जान ले ली। नेशनल हेरल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की क्रॉस एग्जामिनेशन की तारीख बदलने की याचिका मंजूर होने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। हरियाणा के रोहतक में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव संदिग्ध हालात में बरामद हुए। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश न होने पर उनके वकील ने बर्फबारी से तबीयत खराब होने का हवाला दिया।